सुदामा जी पंडित थे। सुदामा जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। निर्धनता चरम पर थी, कई बार बच्चे भी भूखे सो जाते थे। सुदामा जी की धर्म पत्नी को पता था कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण जी के साथ सुदामा जी की अच्छी मित्रता रही है। पत्नी ने बहुत बार कहा कि आप अपने राजा मित्र कृष्ण से कुछ धन मांग लाओ। सुदामा जी कहते थे कि पंडित का काम मांगना नहीं होता, परमात्मा के विधान को समझकर उसके अनुकूल जीवन यापन करना होता है। गरीब दास जी ने भी कहा है कि नट पेर ना कांजर सांसी, मांगत है भठियारे, जिनकी भक्ति में लो लागी वो मोती देत उधारे। जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, जोगी जोग संपूर्ण जाका, मांग ना पीवे पानी। शब्दार्थ नट, ये लोग जनता में कुछ खेल दिखाते थे। उस खेल के समापन पर कटोरा लेकर तमाशा यानी खेल देखने के लिए उपस्थित भीड़ से रुपए पैसे मांगते थे। यदि योगी यानी साधक भी ऐसी सिद्धियों का प्रदर्शन करके रुपए व कणक इकट्ठे करता है तो उसकी सत्य साधना नहीं है। यदि सत्य साधक होता शिष्यों को आशीर्वाद रूपी मोती देकर धनी बनाता है, जो साधक के भाग्य से अलग अपनी ओर से उधार रूप में होता है। यदि संत दर दर पर जाकर मांगता फिरता है तो वह ज्ञानी है, उसके पास शास्त्र अनुसार साधना नहीं, वह संत नहीं भड़वा है। भड़वा का अर्थ यहां पर बेशर्म है। जोगी यानी साधक की भक्ति संपूर्ण उसकी मानी जाती है जो किसी से कुछ नहीं मांगे। उसके उदाहरण में कहा है कि वह साधक और वस्तु तो छोड़ो, पानी भी मांग कर नहीं पीता, परंतु पत्नी के बार बार आग्रह करने पर विप्र सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण जी के पास चले गए। श्री कृष्ण जी ने उनका विशेष सत्कार किया, मुट्ठी भर चावल साथ लेकर गए थे, जो श्री कृष्ण जी ने चाव के साथ खाए, चरण तक धोए और कुशल मंगल पूछा तो पंडित सुदामा जी ने कहा कि हे भगवान, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आपकी कृपा से ठीक निर्वाह हो रहा है। एक सप्ताह श्री कृष्ण जी के पास रुककर सुदामा जी घर को चल पड़े। एक बार भी नहीं कहा कि कुछ धन दे दो। वे जानते थे कि परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। श्री कृष्ण जी राजा थे, अपने मित्र की स्थिति को समझकर विश्वकर्मा जी को आदेश देकर एक सप्ताह में सुदामा जी का महल बनवा दिया तथा बहुत सारा धन भी दे दिया। पंडित सुदामा जी अपने धर्म कर्म पर डटे रहे, जिस कारण से उनको लाभ हुआ। इसे पंडित कहते हैं, जो मांगे सो भड़ुआ कहलाता है, पंडित की यह परिभाषा है।